हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। फ्रेंड्स, आप में से बहुतों ने एक टीवी पे एक सीरीज आती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देखा होगा, और उसमें एक किरदार है जिनका नाम है बिड़े। वो क्या करते हैं, जब भी कोई बात कर रहे होते हैं और खासकर किसी चीज को देखते हैं या कोई चीज गतिविधि हो रही है तो बोलते हैं हमारे जमाने में ऐसा होता था। और एक और किरदार है उनमें, वो है टप्पू। और जो टप्पू की सेना है वो हमेशा कहते हैं बीड़े को, बीड़े अंकल आप क्या कह रहे हो, मेरे जमाने में ये होता था। आप आज के जमाने की बात करिए। अब आप कह रहे होंगे मेरे दिमाग में ये स्टोरी क्यों आई, याद क्यों आया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो इसलिए आया कि नोकिया की तरफ से एक लीक आ रही है, एक अनाउंसमेंट आ रही है कि शायद नोकिया जल्दी ही नोकिया 6300 और नोकिया 8000 जो पुराने जमाने में फोन लॉन्च करते थे वो दोबारा नए अवतार में लॉन्च करेगा, और वो भी 4G के साथ। तो यहां पर एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है आपके जो पुराने फोन थे काफी अच्छे थे, लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन अगर हम पिछले एक दो महीने का आपका सफर देखें खासकर भारत के कंटेक्स्ट में, आपने आइकॉनिक फोन यानी कि पुराने जमाने जो फोन लॉन्च किए थे उन्हीं को नए रूप में लॉन्च कर दिया है। अगर आपको मार्केट में कैप्चर करना है या अपनी प्रेजेंस बिल्ड करवानी है, आपको जरूरत है नए फोन्स लाने की और सही दामों पे, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। और ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक भारत में नहीं आए हैं। तो बस नोकिया से अब जरूरत है कि फोन्स जल्दी जल्दी लाएं, जो भी इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है हिंदुस्तानी मार्केट में भी उसी टाइम पे ले आए, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है। फ्रेंड्स, हमारी दूसरी न्यूज जुड़ी हुई है पोको के साथ। कल माइक्रोमैक्स ने अपने नए फोन लॉन्च कर दिए, और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप जल्दी ही प्राइस ड्रॉप देख सकते हैं बाकी स्मार्टफोन्स का, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जो पहला ब्रांड है जिसने अपना फोन का प्राइस कम कर दिया है वो है पोको M2 Pro। उन लोग ने अपना फोन का दाम 2000 रुपए से कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्राइस कम कर दिया है, इसके बाद जो इनका 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट का फोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है, उसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 12,999, और अब ये फोन आपको मिल जाएगा मार्केट में 10,999 रुपए का। फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स ने अपने एक और नया बजट स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, और इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4। इस वाले फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, और जो इसका दाम है वो रखा गया है ₹6,999। और फ्रेंड्स, ये वाला जो फोन है ये मीडियाटेक 822 चिपसेट पे बेस्ड है, और इसमें आपको मिलता है 2GB का रैम और साथ ही साथ 32GB की इंटरनल मेमोरी। फ्रेंड्स, अगर आप उनमें से हैं जो व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन किए हैं तो आपके पास एक कॉमन प्रॉब्लम होगी, आपके पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे जो फॉरवर्ड्स होंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और पिक्चर्स होंगी, और आपके फोन की बहुत सारी मेमोरी ले लेगा। तो इसके लिए आज फाइनली व्हाट्सएप ने एक स्टोरेज मैनेजमेंट का सोल्यूशन भी रिलीज कर दिया है कि आप जो अपने फोन की स्टोरेज है कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक और ऑप्शन दे दिया है कि आप बल्क डिलीट कर सकते हैं जो भी आपके मैसेज आए, क्योंकि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस आजकल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो भरमार आती थी, और फॉरवर्ड्स की तो बात ही मत करिए। फ्रेंड्स, हमारी अगली न्यूज जुड़ी हुई है सैमसंग के साथ। सैमसंग के लीक्स फिर से चालू हो चुके हैं, और इस टाइम जो लीक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं जुड़े हुए सैमसंग गैलेक्सी S21 स्मार्टफोन के साथ। और जो एक लीक आई है उसके मुताबिक ये जो फोन है, कल इसके हमने आपको न्यूज में रेंडर्स भी दिखाए थे, इसके रेंडर्स तो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये फोन जनवरी के महीने में 14-15 जनवरी के आसपास ये प्री ऑर्डर्स पे जाएगा। तो यानी कि इस साल है ना, सैमसंग ने एक्सीलेटर से अपना पैर हटाने का बिल्कुल भी मूड नहीं रखा हुआ है, उन्हें कहकर एक्सीलेटर दबा के रखना है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है LG के साथ। LG ने थोड़ा टाइम पहले एक रोलेबल टीवी लॉन्च किया था जिसे आप रोल करके ना एकदम रख के साइड में रख सकते हैं। अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं एक रोलेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने की, और जो लीक्स आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के मार्च के महीने में आप उनका फर्स्ट रोलेबल स्मार्टफोन देख पाएंगे। और फिर यहां पर ये बता दें, ये जो फोन है ये एकदम टीवी की तरह नहीं होगा, कंप्लीट रोल हो जाएगा, इसमें जो बीच का पार्ट होगा वो सॉलिड फोन की तरह होगा, रेक्टेंगल फोन की तरह होगा, और आप फोन को राइट या लेफ्ट की तरफ रोल कर सकते हैं, यानी कि उसको बड़ा फॉर्म फैक्टर दे सकते हैं, यानी कि फोन को बना सकते हैं टैबलेट।
फ्रेंड्स, अगली न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दें कि हमने कल शाम को एक वीडियो लाइव किया था जहां पर हमने जो माइक्रोमैक्स इनका स्मार्टफोन है उसको कंपेयर किया था रेडमी नोट 9 के साथ। और आज सुबह भी हमने एक और वीडियो टेक बाय टेक सीरीज वाला लाइव किया था जहां पर हमने बात की थी कि ये जो माइक्रोमैक्स इनके जो स्मार्टफोन है क्या आपको खरीदने चाहिए। कोशिश की है कि आपको सब पहलुओं से अवगत करवाया जाए कि जो फोन है, क्योंकि फोन अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन जो फोन की फीचर्स हैं, बाकी मार्केट में कंपटीशन क्या है, कंपटीशन क्या शांत रहेगा और क्या क्या चीजें हैं जिसका माइक्रोमैक्स को ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेकेंड इनिंग्स में अगर वो चाहता है कि मार्केट में अपना वर्चस्व दोबारा पा सके। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी जुड़ी हुई है ओप्पो के साथ। ओप्पो ने अपने होम कंट्री चाइना में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है और ये फोन है ओप्पो K7X। इस फोन की खासियत ये है, ये 5G स्मार्टफोन है और इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक डिमेंस्ट्री 720 प्रोसेसर और जिसका कन्वर्टेड प्राइस है वो बन के आ रहा है 16,700 रुपए। और ऐसा लगता है फ्रेंड्स, ये जो फोन है ये भारतीय मार्केट में भी हो सकता है लॉन्च। और इससे क्या होगा कि मीडियाटेक की डिमेंस्ट्री 720 सीरीज है वो भारतीय मार्केट में एंट्री मार लेंगे। फ्रेंड्स, आप बस इतना ही आज की न्यूज़ फटाफट में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।